कानपुर में पुलिस का एक बार फिर से बेरहम चेहरा सामने आया है। आरोप है कि सनी गवां चौकी पुलिस ने एक गरीब दिव्यांग महिला से उसकी लापता बेटी को ढूंढने के लिए गाड़ी और डीजल के नाम पर करीब 12,000 रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं, पीड़िता को अभी तक बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। दरअसल एक महीने पहले महिला की बेटी लापता हो गई थी। परेशान महिला ने चकेरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस बेटी को ढूंढने के लिए महिला से बार बार पैसे वसूलती रही, लेकिन बेटी का कोई सुराग तक नहीं मिला। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने भीख मांगकर किसी तरीके से पुलिस को देने के लिए रकम जुटाई और फिर भी बेटी का पता नहीं चला। बाबू पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे, अब नहीं कहेंगे चल यहाँ से कमीनी कहीं की, ऐसे गाली देते। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोले, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है बाबू। हम 3-4 दाएँ गाड़ी अकबरपुर अभोगनी सामान दौड़ा, सरगमा चौकी में 2 दरोगा हैं, एक दरोगा हमारी मदद कर रहा है बाबू, जो अब केस लिए वो मदद कर रहा है, जो पहले केस लिए था वो उसके माँ बाप को छोड़ दिया, पकड़ा नहीं। हमने 3-4 दाएँ डीजल भरा, मार 10 मांग मांग के बउआ जोर जोर के, हम दूसरे से कर्जा काढ़ो रहा, काढ़ काढ़ दी नहीं नंदोई से, फिर वही के मांग मांग पटा हुआ बउआ, हमने पैसा दे चुकी है। पुलिस वाले का नहीं दी ना, डीजल तेल का दी ना बाबू। गाड़ी पता नहीं कहां से लाल गाड़ी लाए रहे करके। हालांकि मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही युवती का पता लगाने के लिए सर्विलांस और अन्य टीमों को लगाया गया। इस संबंध में अभी गुड़िया ने कम्प्लेंट डीआईजी साहब के समक्ष किया है, इस पे डीआईजी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉर्ट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जांच कराई जाएगी, अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं है, आए दिन कुछ पुलिस कर्मियों की बेशर्मी की वजह से पुलिस के साथ साथ आम लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक युवती का पता लगा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।